हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन मटेरियल में। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हैं और अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक बटन को दबा सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन था सर कि दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के एग्जाम है वो बात हो रही कि पोस्टपोन्ड होंगे या नहीं होंगे। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कृपया करके इन बातों पर अभी ध्यान न दें, क्योंकि अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, कोई बात नहीं कही गई है जिसमें यह बोला हो कि दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के जो पेपर हैं वो पोस्टपोन्ड होंगे आगे। ठीक है, अगर आगे ऐसा कुछ नोटिस आएगा तो वो आप सबको पता चल जाएगा, वो हम बता भी देंगे या आपको पता भी चल जाएगा खुद से। लेकिन अभी कोई भी बंदा ये सोचे ना कि दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का पेपर है जो वो पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो आपके दिमाग में माइंड में ये बात चलेगी कि दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का पेपर है वो आगे पोस्टपोन्ड होगा, आप ना तो पढ़ पाएंगे ना कोई बात। और देखिए, अगर बाय द वे नहीं हुआ, मुझे तो चांस लग रहा है कि नहीं होगा आगे पोस्टपोन्ड, लेकिन आप मान के चलते हो कि पोस्टपोन्ड होगा। मान लीजिए नहीं होता है पोस्टपोन्ड, अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी फिर उसका क्या सोल्यूशन होगा? ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, पढ़ाई नहीं छोड़नी है ये सोच के कि दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का जो पेपर है वो पोस्टपोन्ड होगा। अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है कि पेपर पोस्टपोन्ड होगा आपका। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन आ रखे थे, काफ़ी कमेंट आ रखे थे इसी चीज़ को लेके कि सर ये बताइए कि सर पेपर पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, हमें बहुत दुविधा में फंसे हुए हैं। भाई पेपर अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि पेपर पोस्टपोन्ड होगा, तो आप ये मान के चलिए कि उसी डेट पर आपका पेपर होगा। ठीक है, बाकी आप सब समझदार हो, सब समझ रहे हो, और कृपया करके पढ़ाई के लगे रहें। ठीक है, पढ़ाई के लगे रहें, पढ़ाई में कुछ कमी नहीं छोड़नी हमें पढ़ाई में। ये मत सोचो कि पेपर पोस्टपोन्ड होगा, नहीं, हमें पेपर हमारा 27 नवंबर से है तो 27 नवंबर से ही होगा। आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, तो कृपया करके मेहनत करके अपना पढ़ाई के लग जाइए। किसी की कोई चैप्टर कम्प्लीट नहीं हुआ तो किसी का कुछ जीके पोर्शन कम्प्लीट नहीं हुआ, किसी का मैथ पोर्शन कम्प्लीट नहीं हुआ, तो कृपया करके जल्दी से जल्दी अपने पोर्शन को कम्प्लीट करें, जल्दी से जल्दी उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करें, फिर प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाओ कम सिलेबस पूरा करके, वरना कुछ फ़ायदा नहीं होगा, फिर पेपर ही पूरा नहीं कर पाओगे, फिर क्या करोगे? जब आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया, आपको इतनी तैयारी नहीं है कि आप पेपर को कितनी जल्दी हैंडल कर सकते हो, तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि फिर तो आप उसके प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तो अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, वहीं क्वेश्चन छोड़ जाओगे। तो वहाँ पर हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने हैं भाई, ज़रूर। तो अपना प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले अपना सिलेबस पूरा करें। अगर अभी तक भी किसी का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो वो बहुत पीछे चल रहा है, मैं आपको ये बता देता हूँ, बहुत पीछे चल रहा है। तो अपना कृपया करके जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा करें, चाहे हमें 2 घंटे फालतू पढ़ना पड़े। ठीक है, और सिलेबस पूरा करके प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे हमें हमारी कमी का पता चले कि कहाँ हमारी कमी आ रखी है, कौन से टॉपिक में हमारी कमी है, कौन से पोर्शन में हमारी कमी है, ताकि हम उसको फिर से रिवाइज करके उसको हम ठीक कर सकें। प्रैक्टिस सेट का मतलब ही यही होता है दोस्तों, हमें पता चलेगा कि क्या हमारी कमजोरी है और उस कमजोरी को हम फिर उसको कैसे सही कर पाएं। तो यही मैं बताना चाहूँगा, सिलेबस पूरा करो, और बाकी ऐसी कोई बात तो मैं बताऊँ कि पेपर पोस्टपोन्ड होगा, ऐसी कोई न्यूज़ आएगी तो सभी के पास आएगी, खाली उन्हीं के पास नहीं आएगी जो ये अफवाह फैला रहे हैं, वो आपके पास भी आएगी। अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो वो हम भी बताएंगे, अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बाकी आपके लिए वीडियोज़ कम लेके आ पा रहा हूँ, क्योंकि ड्यूटी तो बस पूछो मत क्या चल रही है आजकल, तो बड़ी 12-12 घंटे की ड्यूटी चल रही है, तो टाइम नहीं मिलता, पूरे दिन ड्यूटी पे रहता हूँ, रात को आके खा के सो जाता हूँ। ठीक है, तो जब भी टाइम मिलता है कोशिश करूँगा आपको बताने की, मोटिवेट करने की। तो सब पढ़िए और बड़ी मेहनत के साथ पढ़ना है सभी को, और लगे रहो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका भाई आपके साथ। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।